क्यों उठे दिल छोड़ आए। पता खड़ी हो कहाँ है सारी की सारी अशरफिया कहाँ है घर बेच दे दी अपने मामे को। हाय रब्बा मैं हमारे घर की अशरफिया किसी और को क्यों दूंगी मैंने तो रखवाई थी। ओए तू रुक ये फट फट एनू है अशरफिया ये रुई कैसे हो गई बता मैनू कैसे हो गई ये रुई ये भी तेरा कोई नया कर्तव्य है। वीर जी माने हाँ कि अशरफियों की चोरी हुई है पर अशरफियां इसने चुराई आप कैसे कह सकते हो। उपजाई जी रुको मुकर एथिया कट। हाँ परजाई जी ये अशरफी इसकी चुन्नी विच अटकी पड़ी थी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि चोर चोरी करके जाते वक्त इसे तोहफे के तौर में यह अशरफी देके गया हो। और ये एक अशरफी इसके पास है तो बाकी भी इसी के पास होनी है। और इतने सालों में परजाई जी अपने घर की कोई भी चीज यहां से बाहर नहीं हुई और इसके आते ही इतनी बड़ी चोरी हो गई। जी नहीं मैंने जिंदगी में आज तक कभी चोरी नहीं की। मैंने नहीं पता ये अशरफी मेरी चुन्नी में कहां से आ गई। चुप कर मत आरन मैंने तेरे को जमीन से उठाकर हवेली में पहुंचा दिया पर तूने इसी हवेली में चोरी कर दी थी। देख लिया इंसान अपनी फितरत नहीं बदलता। मैंने एक भी अशरफी नहीं चुराई है जी। मैं आपकी नहीं नहीं उधर मुंजी जी की गाली थी। आपकी झूठी सौ खाने की जरूरत नहीं है। अब मैनू सब कुछ समझ में आ गया है। जब पूरा का पूरा परिवार उधर अमृत के लिए परेशान था ना तूने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। तू कमरे में नहीं थी तू अशरफियां चुरा रही थी। ओ नहीं जी नहीं मैं तो कमरे में और मैं तो की मैं नहीं बता सकती। और बताने को कुछ होगा तो बताएगी ना तू। एक चोर की इस घर में कोई जगह नहीं है निकल यहां से चल निकल। नहीं 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 चाचा जी छोड़ दो चाची नु ऐसे ऐसे। ओए अमृत तू बीच में ना आज इसकी औकात दिखानी मैंने चल निकल यहां से निकल। बाऊजी बाऊजी आप कुछ बोलो ना समझाओ चाचा जी नु। ये तो एक ना एक दिन होना ही था। मैं पहले ही क्या सी कि शादी ब्याह शक्ल सूरत देख के नहीं किया जाता खानदान देख के किया जाता है। अब रास्ते की तूल मत्थे पे लगाओगे तो मिट्टी आंख में पैनी पैनी है। बाऊजी राजीव ठीक है अगर थोनू लगता है कि मैंने चोरी की है ना तो फिर थानेदार को बुलाओ। थानेदार अभी के अभी सारी बात यही साफ हो जानी है। थानेदार आएगा असली चोर भी पकड़ा जाएगा तब आपको पता चलेगा कि असली चोर कौन है। बुलाओ रुक मैं बुलाता हूँ। अब रब 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 इस कुड़ी के लिए अब पुलिस बुलाओगे और लाला रतन किशोर सानी के घर में पुलिस आएगी। अब 55,000 अशरफियां भी और चोरी हो जाए ना तो कोई गम नहीं है लेकिन अपने अपने परिवार की इज्जत को ना मैं सड़क पर नहीं आने दूंगी। अपराधी मेरे से नहीं देखा जा रहा है अब तुझसे करो जो करना है। अभी नहीं 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 क्या नहीं चाचा जी और चले निकल यहाँ से चाचा निकल चल और इस घर में कोई जगह नहीं है छोड़ने की। मैं चल नहीं हूँ पति जी। अब आप लोग क्यों चुप आप कुछ बड़ों के बीच में नहीं बोलते चुप तो चुप हो जा और देख रहे वो शांति रख ठंड पे। नहीं जी नहीं मैं चोर नहीं हूँ मैं चोर इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है चल निकल निकल तू निकल।
और जब तक एक एक अशर्फी वापस नहीं करती है अंदर एक कदम नहीं रखेगी तू, समझ गई? मैंने सच में चोरी नहीं की। मैं चोर नहीं हूँ, राजा माता की कसम मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई चोरी नहीं की मैंने। पति जी आप सुन रहे हो, मैं चोर नहीं हूँ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.